इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको इस तरीके से लिखा हुआ आता है काइंडली रीच IPP ब्रांच फॉर अकाउंट ओपनिंग, तो ये इस तरीके से क्यों दिखाता है, क्यों आता है इस तरीके से, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए यहाँ पर ये क्यों आता है और इसका सोल्यूशन क्या है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप यहाँ पर देखते हैं कि काइंडली रीच IPP दिखाता है, तो जैसे हम ओके करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम अपना दोबारा अकाउंट खोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सारी जो फैसिलिटी है उसको चेक करना होगा। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है लोग यहाँ पर यस करते हैं, इस वजह से यहाँ पर ये आती है। बट यहाँ पर आपको यस नहीं करना, यहाँ पर आपको करना है नो। ये पूछता है कि आप यू आर रेजिडेंट फॉर टैक्स पर्पस इन इंडिया और आउटसाइड कंट्री, तो यहाँ पर आप जो है नो लगा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ही आगे चला जाएगा। उसके बाद पैन कार्ड डिटेल्स डालिए और अपना नंबर डालिए, तो ये आगे प्रोसेस कर जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहता है बस इसका। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।